इस रिव्यू के स्पॉन्सरर्स हैं आप यानी मेरी ऑडियंस, और मैं किसी ब्रांड का स्पॉन्सर्ड कंटेंट अपने चैनल पे नहीं चलाता, क्योंकि मैं अपने रिव्यूज के अंदर अच्छी अच्छी बातें बोलने के बजाय अनकंफर्टेबल ट्रूथ ही बोलना पसंद करता हूँ। मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब और ज्वाइन करें मेरे चैनल को। एक टीवी की अच्छी पिक्चर क्वालिटी ये कभी इंश्योर नहीं करती कि आपको उससे ऑडियो एक्सपीरियंस भी अच्छा ही मिलेगा। एक होम थिएटर जैसा म्यूजिक हो या मूवीज, एक होम थिएटर जैसा इमर्सिव ऑडियो एक्सपीरियंस आपको और कोई नहीं दे सकता। लेकिन एक अच्छा होम थिएटर तो काफी महंगा आता होगा। बात तो सही है, लेकिन ये बात भी सच है कि एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस पाने के लिए आपको हर बजट में कम से कम एक ऑप्शन जरूर मिलती है, और वही बताऊंगा मैं आपको आज के वीडियो में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल VM1। मेरा नाम है विनीत और आज मैं आपको बताऊंगा बेस्ट होम थिएटर्स ऑफ 2020 इन इंडिया। दोस्तों, मैं डिपेंडेंट होता हूं इन सभी सिस्टम्स की ऑफलाइन अवेलेबिलिटी पे, उसी से मैं इनको टेस्ट करके आपके लिए एक वीडियो बना पाता हूं। जैसे मोटोरोला सिस्टम सिर्फ फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हैं, इसीलिए मैं उनको अभी तक ना टेस्ट कर पाए हूं और ना ही मैंने उन्हें इस वीडियो में इंक्लूड किया है। मैं सभी ऑडियो सिस्टम्स को सेम दो ट्रैक्स चला के टेस्ट करता हूं, उसी के बेसिस पे उनको रैंक करके आपको उसके प्रोज और कॉन्स भी बताता हूं। लेकिन होम थिएटर सिस्टम्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहता हूं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर वन, अगर आप अपनी टीवी की ऑडियो को थोड़ा सा एनहेंस करना चाहते हैं, या आपका रूम का साइज छोटा है जिसमें बहुत सारा फर्नीचर है, आपको होम थिएटर सिस्टम नहीं लेना चाहिए। आपके लिए बेस्ट होगा एक साउंड बार लेना। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं साउंड बार्स के ऊपर, आपको हर बजट में एक अच्छी साउंड बार जरूर मिलेगी, आप उन्हें देखिए। पॉइंट नंबर टू, एक बजट होम थिएटर और आप उसे अपने टीवी के साथ ब्लूटूथ से कनेक्ट करना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक अच्छा होम थिएटर लेने के बाद आप उसे अपने टीवी के साथ ब्लूटूथ से कनेक्ट ना करें, क्योंकि ऑडियो क्वालिटी में बहुत लॉस होता है। आप अपने टीवी की कनेक्टिविटी ऑप्शंस को चेक करें, उसके बाद उसे मैच करें होम थिएटर की कनेक्टिविटी ऑप्शंस के साथ, उसके बाद ही एक होम थिएटर खरीदें। पॉइंट नंबर थ्री, डॉल्बी डिजिटल और DTS:X अच्छी ऑडियो टेक्नोलॉजीज हैं जो आपको अच्छे होम थिएटर्स में मिलेंगी। उसका मजा आप ले सकते हैं सराउंड चैनल्स को सही जगह प्लेस करके, और उनकी सही प्लेसमेंट की जगह है ईयर लेवल के ऊपर। पॉइंट नंबर फोर, डॉल्बी एटमॉस एक शानदार ऑडियो टेक्नोलॉजी है जिससे आपको थ्री डायमेंशनल साउंड का एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन मेरा आज का कोई भी होम थिएटर सिस्टम डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि इनकी रेंज शुरू होती है 5,000 रुपीज से लेके 25,000 रुपीज तक, और डॉल्बी एटमॉस के होम थिएटर शुरू होते हैं 50,000 से। बेस्ट होम थिएटर्स 2020 की लिस्ट में नंबर 5 पे आता है ओबेज का HT101 मॉडल। इस होम थिएटर के अंदर आपको 4 सैटेलाइट स्पीकर्स और एक सबवूफर यूनिट मिलेगा, जिनका टोटल आउटपुट है 65 वॉट्स। इस सिस्टम में आपको 3 इंच के स्पीकर ड्राइवर्स और 6.5 इंच का सबवूफर यूनिट मिलेगा। ये सिस्टम आता है USB, AUX और SD कार्ड स्लॉट के साथ। इस सिस्टम के अंदर आपको ब्लूटूथ और माइक कनेक्टिविटी की ऑप्शन भी मिलेगी। ये सिस्टम काफी अच्छा साउंड करता है, इसकी बेस भी अच्छी है और आपको क्लैरिटी भी अच्छी मिलेगी, और एक छोटे रूम के लिए ये एक परफेक्ट सिस्टम है। लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगी मुझे। ये सिस्टम आपको कॉस्ट करेगा 4,600 रुपीज। बेस्ट होम थिएटर्स 2020 की मेरी लिस्ट के अंदर नंबर 4 पे आता है सोनी का D40। ये एक 4.1 सिस्टम है जिसके अंदर आपको 4 स्पीकर्स और एक सबवूफर यूनिट मिलेगा, और इसका टोटल आउटपुट है 80 वॉट्स। इस सिस्टम में आपको 3 इंच के फुल रेंज कोन ड्राइवर्स मिलते हैं और 6 इंच का सबवूफर यूनिट मिलता है। ये सिस्टम आता है ब्लूटूथ, ऑक्स और USB कनेक्टिविटी के साथ, और इस सिस्टम में आपको एक रिमोट कंट्रोल भी मिलता है। ये सिस्टम बहुत ही जबरदस्त बेस के साथ आता है। एक छोटे से मीडियम साइज रूम के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट सिस्टम है, लेकिन इसके अंदर क्लैरिटी की बहुत कमी है। मुझे ये बैलेंस्ड बिल्कुल भी नहीं लगा, लेकिन अगर आप एक बेस लवर हैं तो दिस इज अ डिलाइट फॉर यू, और ये कॉस्ट करता है सिर्फ 8,000 रुपीज। यहां से मेरी लिस्ट में शुरू होते हैं प्रॉपर 5.1 चैनल होम थिएटर सिस्टम्स, और बेस्ट होम थिएटर सिस्टम 2020 की मेरी लिस्ट में नंबर 3 पे आता है फिलिप्स का 8000B मॉडल। इस सिस्टम के अंदर आपको 2 साइड स्पीकर्स, 2 बैक सराउंड स्पीकर्स, एक फ्रंट वोकल स्पीकर और एक सबवूफर यूनिट मिलेगा।
सभी स्पीकर्स का आउटपुट है 15 वॉट्स और सबवूफर का आउटपुट है 45 वॉट, जो बनाता है टोटल सिस्टम के आउटपुट को 120 वॉट्स का। इस सिस्टम में आपको 3 इंच और 4 ओम्स के फुल रेंज स्पीकर ड्राइवर्स मिलेंगे और 8 इंच और 4 ओम्स का सबवूफर यूनिट मिलेगा और इस सिस्टम का SNR है 60 डेसिबल्स। ये सिस्टम आता है USB, RCA, SD कार्ड और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ और इस सिस्टम के अंदर आपको एक रिमोट कंट्रोल और FM कनेक्टिविटी भी मिलेगी। ये सिस्टम आपको कॉस्ट करेगा 10,000 रुपीज। इस सिस्टम में बेस अच्छी है, क्लैरिटी अच्छी है और साउंड ओवरऑल बैलेंस है, लेकिन मैं हैरान हो गया इसके सराउंड चैनल्स को देख के, क्योंकि सराउंड इफेक्ट अच्छा आता है। लेकिन जो मुझे कमी लगी वो है इसके सेंटर चैनल से, क्योंकि इसमें वोकल्स की या मिड्स की थोड़ी सी कमी है। बेस्ट होम थिएटर 2020 की मेरी लिस्ट में नंबर 2 पे आता है फेंडा का F6000X मॉडल। इस मॉडल के अंदर आपको दो साइड स्पीकर्स, दो बैक सराउंड स्पीकर्स, एक फ्रंट वोकल स्पीकर और एक सबवूफर यूनिट मिलता है। सभी चैनल्स का आउटपुट है 13 वॉट, फ्रंट चैनल का आउटपुट है 14 वॉट और सबवूफर का आउटपुट है 57 वॉट, जो बनाता है टोटल आउटपुट को 135 वॉट्स का। 3 इंच के फुल रेंज ड्राइवर्स और 8 इंच के सबवूफर यूनिट के साथ इस सिस्टम का SNR बनता है 70 डेसिबल्स, लेकिन कितने ओम्स की इंपीडेंस है ये फेंडा ने डिक्लेयर नहीं किया। इस सिस्टम में आपको ऑक्स, USB, ब्लूटूथ और ऑप्टिकल इनपुट जैसी कनेक्टिविटी मिलेगी और ये सिस्टम आता है एक रिमोट कंट्रोल के साथ। इस सिस्टम को आप खरीद पाएंगे 14,000 रुपीज में। बेस लवर्स, दिस इज द सिस्टम फॉर यू। ये सिस्टम बहुत ही अच्छी बेस प्रोड्यूस करता है, लाउड भी होता है और डिसॉर्ड भी नहीं करता। म्यूजिक के लिए बहुत अच्छा सिस्टम है, आपके टीवी के साथ ऑप्टिकल पोर्ट से कनेक्ट भी हो जाएगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है, बेस ज्यादा सुनाई देगी और वोकल्स यानी मिड्स में ये स्ट्रगल करता हुआ दिखेगा। बेस्ट होम थिएटर्स 2020 की मेरी लिस्ट में नंबर 1 पे हुआ है टाई और उसमें पहला सिस्टम है लॉजिटेक का Z906 मॉडल। ये मॉडल आता है दो साइड स्पीकर, दो बैक सराउंड स्पीकर, एक फ्रंट वोकल स्पीकर और एक एक्टिव सबवूफर के साथ। सभी चैनल्स का आउटपुट है 67 वॉट्स और सबवूफर का आउटपुट है 165 वॉट, जो बनाता है टोटल आउटपुट को 500 वॉट्स का। 3 इंच और 8 ओम्स के फुल रेंज ड्राइवर्स, 8 इंच और 8 ओम्स का सबवूफर यूनिट मिलता है आपको इस THX सर्टिफाइड सिस्टम के अंदर। एंड लेट मी टेल यू अगेन कि इसके अंदर आपको एक्टिव सबवूफर मिलता है, पैसिव नहीं। ऑडियो फॉर्मेट्स की बात करें तो ये सिस्टम आता है डॉल्बी डिजिटल और DTS डिजिटल की सपोर्ट के साथ, लेकिन डिजिटल आउटपुट आपको सिर्फ SPDIF पोर्ट से मिलेगा। पोर्ट्स की बात करें तो इसमें आपको दो SPDIF पोर्ट्स, एक कोएक्सियल पोर्ट, एक RCA इनपुट और एक हेडफोन जैक मिलेगा एक रिमोट कंट्रोल के साथ। दिस इज द बेस्ट सिस्टम टू वॉच मूवीज ऑन। इस सिस्टम में आपको बेस्ट मिड रेंज फ्रीक्वेंसीज मिलेंगी, यानी वोकल्स बहुत ही ज्यादा क्लियर मिलेंगे। आपको इस सिस्टम पे मूवीज देखने का बहुत ही अलग मजा आएगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसके अंदर लैक ऑफ कनेक्टिविटी ऑप्शंस, लैक ऑफ ऑडियो एंड वीडियो फॉर्मेट सपोर्ट और 4K पास थ्रू ना होने की वजह से दिस कैन नॉट बिकम अ परफेक्ट होम थिएटर सिस्टम। बेस्ट होम थिएटर्स 2020 की मेरी लिस्ट में नंबर 1 पे दूसरा सिस्टम है सोनी IV300 मॉडल। ये मॉडल आता है दो साइड स्पीकर्स, दो बैक सराउंड स्पीकर्स, एक सेंट्रल स्पीकर और एक सबवूफर यूनिट के साथ। सभी चैनल्स का आउटपुट है 125 वॉट, लेकिन सेंट्रल चैनल और सबवूफर यूनिट आपको मिलते हैं 250 वॉट्स के, जो बनाता है टोटल आउटपुट को 1000 वॉट्स का। 2.5 इंच और 3 ओम्स के फुल रेंज ड्राइवर्स, 7 इंच और 6 ओम्स के पैसिव सबवूफर यूनिट के साथ आता है ये सिस्टम, जिसमें आपको S मास्टर डिजिटल एम्पलीफायर भी मिलता है 24 बिट चिप के साथ। सपोर्टेड फॉर्मेट्स की बात करें तो ये सिस्टम आता है डॉल्बी डिजिटल, डॉल्बी डिजिटल प्लस, DTS HD और 4K पास थ्रू के साथ, लेकिन इसमें आपको कोई वीडियो फॉर्मेट की सपोर्ट नहीं मिलती, पर ये सिस्टम आता है मीरा का सपोर्ट के साथ, जिससे आप अपनी फोन स्क्रीन को इस पे कास्ट कर पाएंगे। कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करें तो ये सिस्टम आता है दो HDMI इन, एक HDMI आउट, एक ऑप्टिकल पोर्ट, एक ऑक्स पोर्ट और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ। ये सिस्टम कॉस्ट करता है 22,000 रुपीस और एक सरप्राइजिंग बात यह है कि इसका सेंट्रल चैनल, जिसका आउटपुट है 250 वॉट्स और जो रिस्पॉन्सिबल होता है मिड्स यानी वोकल्स के लिए,
वही सबसे बड़ी इसकी वीकनेस है। यानी इस सिस्टम के अंदर मूवीज देखते समय आप डायलॉग्स नहीं सुन पाएंगे, लेकिन इस सिस्टम की बेस बहुत शानदार है, इतनी शानदार कि ग्राउंड ब्रेकिंग और हाउस शेकिंग बेस है। इस सिस्टम के अंदर म्यूजिक सुनना इज अ डिलाइट। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैंने साउंड बार शेप के 5.1 चैनल सिस्टम्स को जान के इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं प्रॉपर 5.1 चैनल के होम थिएटर सिस्टम्स को ही इंक्लूड करना चाहता था। और हाँ दोस्तों, इन सभी मॉडल्स के डायरेक्ट सेलर लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप उन्हें जरूर चेक करें। कैसा लगा ये वीडियो ये जरूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मैं आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी मच।